नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और यह है वेडनेसडे वीक ऑफ सीरीज का 26वां एपिसोड। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वेडनेसडे वीक ऑफ एक Q&A सीरीज है जिसके अंदर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो आपके पास भी अगर कोई सवाल हो तो प्लीज उसे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हैशटैग फोन हिंदी के साथ पोस्ट कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। जो पूछा है मोहम्मद अरशान टू ने, तो इन्होंने 5 फोन बताए। ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा फोन सबसे ज्यादा कमाल रहेगा। एसो जेनफोन मैक्स प्रो, M2, रियलमी U1 और 9N, ओप्पो A5, वीवो Y83 प्रो और शाओमी रेडमी 6 प्रो। तो इन दोनों में दो फोन सबसे ज्यादा कमाल है। स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस का मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि Asus Max Pro M2 मैंने भी नहीं चलाया। तो दो ही फोन है नंबर 1 और 2 पर, Asus Zenfone Max Pro M2 और Realme U1। ये दोनों ही फोन एकदम कमाल है, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ही और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी अल्टीमेट होंगे, लेकिन अभी पर्सनली यूज नहीं किए हैं। तो इन दोनों में से कौन सा फोन कमाल होगा ये मैं आने पर ही बताऊंगा, क्योंकि 18 से सेल है शायद Asus के डिवाइसेस की, तो उसमें बुक कर दूंगा, 3-4 दिन में मेरे पास आ जाएंगे। तो उसके बाद चाहो तो आप वेडनेसडे वीक ऑफ सीरीज में मुझसे पूछ सकते हो, और या फिर मैं अपने आप से ही रिव्यू इसका अपलोड कर दूंगा और उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। बाकी का 6 में से ये दो ही सबसे ज्यादा कमाल है। अगला सवाल आसू आर्ट्स का, भाई मैं तुम्हारा नया सब्सक्राइबर हूँ, 5000 के अंडर कृपया कोई बढ़िया सा फोन बता दीजिए जिसका कैमरा 5 एंड A2। तो भाई 5000 के अंडर मीजू C9 सबसे ज्यादा कमाल का फोन हो सकता है। अमेजन पर ओपन सेल में मिल रहा है, आप चाहो तो वहां से बुक कर सकते हो। प्रोसेसर उतना ज्यादा कमाल नहीं है, लेकिन 5000 के हिसाब से बाकी की सारी चीजें एकदम बढ़िया है। और अगर नॉर्मल आप फेसबुक व्हाट्सएप भी यूज करना है तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। बाकी का मैंने रिव्यू करने के लिए बुक कर दिया है, आज 5-7 दिन का टाइम लगेगा। 1 हफ्ते का अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मैं जल्दी उसका रिव्यू वगैरह बता दूंगा कि वाकई में फ़ोन कितने तक कमाल है। बाकी आपने जो रिक्वायरमेंट पूछी थी उस हिसाब से मुझे मीजू C9 एकदम कमाल लगा। मोहम्मद फवाजी का अगला सवाल, हैशटैग फोन हिंदी, भाई 2.0 रिलीज हो गई है, बहुत कमाल की मूवी है, तुम्हारा देखना तो बनता है, अपने आसपास के सिनेमा में देखने जाओ। बिल्कुल जाऊंगा भाई, लेकिन अभी तो नहीं, पर देखने जरूर जाऊंगा। और इसी में आपका है, भाई मैं माइक्रोमैक्स का A107 चलाता हूँ, मेरे दोस्तों के पास नए नए फोन है, मुझको बताओ कि 8000 के अंदर में कौन सा कमाल का फोन रहेगा जिसमें डुअल कैमरा हो और रेडमी 6 आप लेना चाहते हो। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है ओनर 7 है सबसे ज्यादा कमाल रहेगा। प्रेजेंट टाइम 9000 रुपए का है, लेकिन कल से सेल शुरू हो रही है, 13 से 16 की सेल है, और उस सेल में आपको 8000 रुपए में ओनर 7 मिल जाएगा। Redmi 6 भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने मेरी अनबॉक्सिंग देखी हो तो मैंने उसमें बताया है कि क्यों मुझे Redmi 6 अच्छा नहीं लगा। कुछ भी मतलब नया नहीं है, डिजाइन उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, छोटा सा डिवाइस लगता है। इसके अलावा कैमरे की बात करें तो Redmi 6 और Redmi 6 Pro का मैंने कैमरा कंपेरिजन भी अपलोड किया है, और वहां आप देख सकते हो कि Redmi 6 का कैमरा कैसा है। और वहीं बात करें अगर ओनर 7 की, तो 7 ही मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव डिवाइस लगा। तो मेरे ख्याल से 8000 में ओनर 7 Redmi 6 से ज्यादा अच्छा है। कल से सेल शुरू है, वहां से आप ले सकते हो। मोहम्मद आदिल जो 6 का अगला सवाल, हैशटैग फोन हिंदी, भाई मैंने जो पहले क्वेश्चन पूछा था तो मतलब मैंने रियलमी 2 बताया था आपको बेस्ट फोन, लेकिन आपका बजट 7500 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 7500 में ही आपको एकदम कमाल का फोन चाहिए। तो अगर 500 एक्स्ट्रा भी कर सकते हो तो ओनर 7 है जैसा कि मैंने पहले बताया। बाकी का 7500 में लेनोवो A5 एकदम कमाल का फोन है, और अगर आपका फुल स्क्रीन से मतलब नॉच डिस्प्ले से है, नॉच डिस्प्ले में ही अगर आपको फोन चाहिए तो फिर 7500 रुपये में रियलमी C1 ही बढ़िया रहेगा। देखो डिस्प्ले उसका रियलमी C1 को इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, आउटडोर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी का कोई इश्यू नहीं है, रियलमी C1 भी आप ले सकते हो। इसके बाद अगला सवाल है मोहम्मद अरशान का, हैशटैग फॉर हिंदी, पहला क्वेश्चन, भाई Asus ने मैक्स प्रो M2 और मैक्स M2 लॉन्च कर दिए हैं, अनबॉक्सिंग करोगे? बिल्कुल करेंगे अरशान भाई। दूसरा सवाल, भाई अभी तक तुमने रियलमी U1 की अनबॉक्सिंग क्यों नहीं डाली? थोड़े से पर्सनल वर्क थे, फोन रखा है, जल्दी ही अनबॉक्सिंग डाल देंगे। तीसरा सवाल, भाई जब Realme U1 और Max Pro M2 आ जाएंगे तो उनका फुल कंपैरिजन बिल्कुल मिलेगा अर्शन भाई, क्योंकि दोनों ही लगभग सेम स्पेसिफिकेशन, एक तरफ मिलता है आपको P70, एक तरफ मिलता है स्नैपड्रैगन 660, तो फिर इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, कैमरा किसका ज़्यादा कमाल है, सेम प्राइस रेंज में आते हैं, तो फुल कंपेरिजन तो 100% बनेगा। और चौथा सवाल, भाई अब तुमने अपने सोशल नेटवर्क साइट्स अकाउंट बना लिए हैं तो इंट्रो और आउट्रो भी बना लेना चाहिए। और इसी से रिलेटेड अगला सवाल मोहम्मद आजम जी का, ये बोलते हैं भाई तुम इंट्रो और आउट्रो लगाया करो वीडियो में। तो अभी मेरा फोकस इंट्रो आउट्रो या फिर एडिटिंग पर इतना नहीं है, सबसे ज़्यादा फोकस है कि मैं जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो चीज़ उसमें ज़्यादा इंक्लूड होनी चाहिए पूरी तरह से। जैसे मैं फुल कंपेरिजन बना रहा हूँ तो मेरा कोशिश ये रहती है कि फुल कंपेरिजन पूरी तरह से फुल कंपेरिजन हो, कैमरे से रिलेटेड कंपेरिजन है या कैमरा रिव्यू है तो उसमें उसी से रिलेटेड पूरी की पूरी चीज़ें कवर हों। बाकी का एडिटिंग का अभी तो नहीं, फ्यूचर में देखते हैं, इंट्रो आउट्रो और वीडियो में थोड़ा सा और लाइट वाइट तो अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में आपकी इस रिकमेंडेशन पर जरूर गौर करेंगे।
अर्जुन विश्वास यानी कि रोमांटिक स्कैन वीए का अगला सवाल। सर मैंने लास्ट वीक में आपसे पूछा था कि कस्टम थंबनेल कैसे लगाते हैं और वो आप नहीं लगा पा रहे हो, तो मुझे लगता है आपसे थोड़ी सी मिस्टेक और हो रही है। आप क्रिएटर स्टूडियो में जाकर चैनल नाम से एक ऑप्शन होगा, उसमें जाइए, वहां पर कस्टम थंबनेल आपको मैनुअली अनेबल करना पड़ेगा। वहां से अनेबल करने के बाद आप किसी भी वीडियो को एडिट सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप कस्टम थंबनेल लगा सकते हो। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सैमसंग असिस्टेंट का अगला सवाल, भाई सैमसंग 8 स्टार की प्राइस कब कम होगी, ऑफलाइन कितने का होगा? अभी तो मेरे ख्याल से 29-30 हज़ार का है ऑफलाइन, और अगर प्राइस कम होने की बात करें तो मुझे लगता है अब तो 2019 में ही कम होगी, दिसंबर में तो मुश्किल ही है। जगन दत्त पांडा जी के अगले 2 सवाल, हैशटैग फोन इन दी आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 अनबॉक्सिंग करना, बिल्कुल करेंगे सर। और आपका नेक्स्ट सवाल है, हैशटैग फोन इन दी मोटो G5s में कौन सा प्रोसेसर है? तो मेरे ख्याल से मोटो G5s में स्नैपड्रैगन 430 है, बाकी का GSM अरीना पर आप चेक कर सकते हो, जैसे स्नैपड्रैगन 430 ही है। विलासनी द्विवेदी का अगला सवाल, हैशटैग फोन इन दी भाई रेडमी नोट 5 प्रो पे पबजी गेम लैग करता है। भैया स्नैपड्रैगन 636 के जितने भी डिवाइसेज मैंने यूज किए हैं, यानी कि रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 6 प्रो, इसके अलावा नोकिया 6.1 प्लस, इन तीनों पर ही पबजी में बिल्कुल मजेदारी नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही डिवाइसेज हाई फ्रेम रेट सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस प्राइस रेंज में कोई और फोन देख लीजिए, पबजी के लिए ये फोन ज्यादा कमाल नहीं है। ऋषि विमल का अगला सवाल, हैशटैग फोन हिंदी, तुम कहाँ के रहने वाले हो? आगरा का रहने वाला हूँ, लगभग 40 किलोमीटर दूर है आगरा से, लेकिन आप समझ सकते हो मैं आगरा में ही रहने वाला हूँ। टेक बांग्ला जी का अगला सवाल, हैशटैग फोन इन दी कैन यू डू बेस्ट टू वर्ड्स फ्रॉम दिस MIUI स्टॉक EMUI सैमसंग एक्सपीरियंस कलर ऑपरेटिंग सिस्टम जेन UI, प्लीज रैंक देम फ्रॉम बेस्ट टू वर्ड्स विद देयर इंटरफेस स्मूथनेस फीचर्स एंड स्टोरेज। भैया हर चीज अलग अलग होगी, यानी कि अगर हम इंटरफेस से बेस्ट टू वर्स्ट रैंक करेंगे तो फिर अलग सीरीज बनेगी, परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग बनेगी, फीचर्स के हिसाब से अलग बनेगी। जैसे कि मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ इंटरफेस के हिसाब से, सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरफेस मुझे लगता है EMUI का, उसके बाद सैमसंग एक्सपीरियंस, तीसरे नंबर पर आता है आपका कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद मुझे लगता है MIUI, उसके बाद GenUI, और सबसे ज़्यादा बेकार इंटरफेस मुझे लगता है स्टॉक एंड्रॉयड का। स्मूथनेस की बात करें तो वहाँ नंबर 1 पर आता है स्टॉक एंड्रॉयड, उसके बाद आता है MIUI, उसके बाद आता है सैमसंग एक्सपीरियंस, उसके बाद EMUI, उसके बाद आता है GenUI, और सबसे लास्ट में कलर ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं बात करें अगर फीचर्स की तो नंबर 1 पर आएगा EMUI, उसके बाद सैमसंग एक्सपीरियंस, इवन सैमसंग एक्सपीरियंस को मैं यहाँ नंबर 1 पर रखूंगा इस फीचर्स के मामले में, सैमसंग एक्सपीरियंस नंबर 1, EMUI उसके बाद आएगा कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आएगा MIUI, फिर GenUI, और सबसे लास्ट में स्टॉक, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। स्टोरेज ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, मतलब हर डिवाइस के हिसाब से ये थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं। बाकी का वैसे सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो स्टॉक एंड्रॉयड ही है इन सभी में। मनप्रीत सिंह का अगला सवाल, हैशटैग फोन इन दी बेस्ट फोन अंडर 25,000। तो मेरे ख्याल से वीवो V11 Pro, और वो केवल तभी जब आप कुछ फ्यूचरिस्टिक लेना चाहते हो, ऐसा लेना चाहते हो, मतलब कैमरा तो एकदम अमेजिंग मिलेगा ही, मतलब सेल्फी ने आप अपलोड करके फेसबुक पर अपलोड कर दी तो बस लाइक की बरसात हो जानी है, ऐसा कोई फ़ोन चाहिए तो फिर ये वीवो V11 Pro। इसके अलावा उसमें जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी कुछ फ्यूचरिस्टिक है, और जब आप अपने फ्रेंड के सामने से यूज करोगे तो वाकई अमेजिंग लगेगा। सैमसंग के फ़ैन हो तो फिर A7 2018, और एकदम कमाल का फ़ोन चाहिए, मतलब हार्डवेयर एकदम औसम होना चाहिए तो फिर Poco F1, सबसे ज़्यादा कमाल का फ़ोन, 20,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 845, मतलब कमाल ही है। तो तीनों फ़ोन अपनी अपनी जगह पर ही बेस्ट हैं, A7 को अगर हटा भी दें तो वीवो V11 Pro, और हार्डवेयर ज़्यादा अच्छा चाहिए तो Poco F1। अगला सवाल सलीम आलम का, ये बोलते हैं हैशटैग फोन हिंदी, भाई आप कौन सा स्मार्टफोन पर्सनली यूज करते हो? तो इस समय मैं यूज कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A17 जो मैंने पिछले 8 महीने या 10 महीने से चेंज नहीं किया है। और इसी में आपका एक और सवाल है, हैशटैग फोन हिंदी भाई बेस्ट फोन अंडर 15,000 रुपीज। तो टॉप 5 स्मार्टफोन की बात करें 15,000 रुपये में, तो मेरे ख्याल से हैं ऑनर 8X, Realme 2 Pro, Realme U1, इसके अलावा Redmi Note 6 Pro, और करेंटली लॉन्च एसो जेनफोन मैक्स प्रो M2। इसमें केवल Redmi Note 6 Pro का हार्डवेयर उतना इंप्रेसिव नहीं है, बाकी के चारों स्मार्टफोन का हार्डवेयर भी अमेजिंग है, कैमरा भी अमेजिंग है। तो यही कुछ सवाल थे इस बार की वेडनेसडे वीक ऑफ सीरीज के, मुझे मेरी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।